What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 22 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:31 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने हफ्ते के पहले ही दिन एक जबरदस्त धमाका देखा। निफ्टी इंडेक्स में ऑलमोस्ट टॉप टू बॉटम 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो कल ये जो पैनिक मूव था, ऑलमोस्ट ओवरबॉट निफ्टी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा था। हमने वीकली चार्ट में देखा था ओवरबॉट जोन में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो निफ्टी इंडेक्स ने ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये जो करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है, ये लाजमी है, क्योंकि जब निफ्टी को और आगे बढ़ना है तो ये थोड़ा सा दो स्टेप पीछे आना काफ़ी ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर 20 EMA के आसपास कल इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो करते हैं, काफ़ी ज़रूरी भी होता है वर्ल्ड मार्केट को देखना, क्योंकि कल जैसे ही यूरोपियन मार्केट शुरू हुए दोपहर को 1 से 1:30 बजे के अराउंड एक यूरोपियन मार्केट शुरू होते हैं, तो वहाँ पर पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ था। जैसे यूरोप में अभी कई सारे कंट्रीज़ ने ब्रिटेन से आने वाले जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दिए, धीरे धीरे अपने एयरपोर्ट्स भी बंद कर रहे हैं। ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस का कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर यूरोप ऑलमोस्ट फिर से लॉकडाउन तो नहीं होगा। इस पैनिक भरे माहौल में इन्वेस्टर काफ़ी टेंस थे, तो यहाँ पर इसका सीधे तौर पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर यूरोपियन कंट्रीज देखें तो फिर से वो एक बार लॉकडाउन के कगार पे तो नहीं है, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स ने फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। तो हालांकि जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर शुरू हुए वहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, वैसे ही 1:30 बजे के बाद निफ्टी इंडेक्स में भी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का ब्रेकआउट लेवल काफ़ी एक्यूरेट साबित हुआ। अगर कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। हमने कैसे ये इस ब्रेकआउट लेवल को फाइंड आउट किया था वो आपको देखने मिलेगा। ये कल का पिक्चर है, यानी 21 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। तो कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,776 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,730। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ हमने देखा यहाँ पर ये साफ तौर पे प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स तुरंत ही 10 मिनट में निफ्टी इंडेक्स ने फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट को यहाँ पर अचीव हुआ। एक बाउंस बैक की यहाँ पर कोशिश की निफ्टी इंडेक्स ने, लेकिन एग्जैक्ट जैसे ही ऊपर आया जो ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पर हमने कल के वीडियो में देखा था कैसे लास्ट टाइम 3 times इसने रेजिस्टेंस फेस किया था लेकिन ब्रेक नहीं किया उस लेवल को, तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने फिर से यहाँ से जैसे टूवर्ड साउथ की तरफ आया फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट को फिर से एक बार अचीव किया और ज़बरदस्त यहाँ से 1:30 बजे के बाद एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 points का ट्रेड करने का मौका था। 10 lot के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। काफ़ी ज़रूरी होता है ग्लोबल मार्केट्स को भी लाइव मार्केट में फॉलो करना, क्योंकि कल जैसे हमने देखा यूरोप के मार्केट शुरू हुए वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, तो उसी तरह यहाँ पर भी फिर इसका डुप्लीकेट कॉपी अगर देखें तो इंडियन मार्केट्स में हमें देखने को मिला। तो कल US मार्केट देखें तो नासडैक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर कल आप US के न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस कर दिया US ने, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो अगर डाउ फ्यूचर को देखें तो यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल स्टिक बना, यानी जो गिरावट थी वो फिर से रिकवर होते हुए ऊपर जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही आके डाउ फ्यूचर कल क्लोज हुआ। तो यहाँ पर अगर इस हैमर के हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यूरोपियन मार्केट्स तो देखें लास्ट 2 months से यहाँ पर एक कमज़ोरी देखने को मिल रही है, एक फ्लैट वे में कारोबार होते हुए नज़र आ रहा है। एशियाई बाज़ार देखें तो SGX निफ्टी ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखा रहा है, 174 points की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स निकेई 101 points की गिरावट दिखा रहा है और डाउ फ्यूचर अभी हल्के फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के कारण इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस होंगे, तो हो सकता है एक रेंज में ट्रेड हमें देखने को मिले। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे सिचुएशन का काफ़ी वेट करते हैं, जब एक बड़ा फॉल आए तभी ये एंट्री ले लेते हैं। अभी ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट 400 points का यहाँ पर कल गिरावट के साथ निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है,
ऐसी कैंडल पास्ट में जब बनी थी तब क्या हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं, ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का ये गिरावट था, ये 400 पॉइंट्स की गिरावट थी। उसके बाद मार्केट जो है ये थोड़ा सा रेंज में चला गया और एक करेक्शन आते हुए दिखा, फिर यहाँ पर 100 ईएमए का इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक हुआ। फिर से एक बार यहाँ पर ये जो लंबी है रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक रेंज में ये ट्रेड हुआ और फिर इसने 50 ईएमए का ये सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक हुआ। तो ज़बरदस्त बाउंस बैक होने के लिए निफ्टी इंडेक्स को भी दो कदम पीछे आना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन इसे कह सकते हैं, ये आना लाजमी था। अभी अगर ये 20 ईएमए को ब्रेक करता है तो ही यहाँ से ये करेक्शन और हमें गहराता हुआ नज़र आ सकता है, टेक्निकली हम कह सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये निफ्टी इंडेक्स अभी भी बुलिश है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी जो सेलिंग प्रेशर है उसके कारण हो सकता है एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स चला जाए। वीकली चार्ट को देखें तो ये जो लेवल था 176.4 के आसपास, यहाँ से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नज़र आ रही है, गिरावट आते हुए नज़र आ रही है। तो अगर हम अभी स्विंग हाई और लो को पकड़ के अगर रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, हम पहले एक्सटेंशन ड्रॉ कर रहे थे, अभी रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर रहे, तो 23.6% का लेवल आ रहा है 13072 के पास। तो यहाँ पर हो सकता है 13,000 के आसपास निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें। अगर 13,000 ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स में और करेक्शन, यहाँ से मजबूत करेक्शन आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर यूरोप की सिचुएशन और यहाँ से पैनिक हो जाती है तो ये करेक्शन है, यह हमें और भी गहरा तो हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 20 ईएमए के पास वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली चार्ट में 20 ईएमए के पास आते हुए दिखाई दे सकता है। तो यह था वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1:30 बजे के बाद कैसे ज़बरदस्त फॉल आया। ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में अगर ये 5 मिनट का कैंडल देखे तो इस 5 मिनट में ऑलमोस्ट निफ्टी इंडेक्स 300 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो हाई और ये लो है इसके बीच में, इसके बाद निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, यानी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो अभी हमारी ब्रेकआउट लेवल क्या होगी? ब्रेकआउट लेवल के लिए ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ऊपर बाउंस बैक दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल तो होगा 20 ईएमए का, यानी 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो इसको ब्रेक करने दें। फिर बाद में इनसाइड बार ये जो ट्रेडिंग चल रहा है इसका, ये जो हाई है अपर लेवल है यानी 13,439, इसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इसे, मैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली कन्वर्ट कर देता हूँ, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,470, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 13,504, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो ये जो यहाँ पर लास्ट कल का बाउंस बैक है, जहाँ पर ये इस रेड कैंडल का क्लोज है, यानी 13,206 के आसपास, राउंड फिगर कर देते हैं 13,200 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,176, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,151, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।